प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवधेश मिश्राज क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने जैव प्रक्रम का परिचय बताया, जीवधारियों में पोषण की विधियों के बारे में चर्चा किया तथा उसी क्रम में स्वपोषी पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने आपको बताया। आशा है मुझे कि आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे और जो तथ्य हैं वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको मानव में पोषण बताऊंगा। मानव में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, मतलब कि ये पौधे तथा उससे मिलने वाले पदार्थों को भी खाता है और जंतुओं से प्राप्त भोजन भी प्राप्त लेता है, जैसे अंडे, मांस, मछली, दूध इत्यादि जंतुओं से मिलता है तथा खाद्यान्न, फल, सब्जियां ये सब पौधों से मिलता है और इन सभी को मनुष्य भोजन के रूप में प्रयोग करता है। मनुष्य इन भोजन को वातावरण से लेकर के अपने शरीर में ले जाता है और शरीर में इस भोजन के पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण इत्यादि के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र पाया जाता है जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है पाचक ग्रंथियां और दूसरा है आहार नाल। पाचक ग्रंथियां तीन प्रकार की प्रमुख ग्रंथियां होती हैं जो पाचन से संबंधित रसों का श्रवण करते हैं, जो भोजन के पाचन में विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। और दूसरा भाग है आहार नाल। यह मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई लगभग 8 मीटर लंबी एक ट्यूब की तरह की संरचना होती है। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। बच्चों, सबसे पहली जो पाचक ग्रंथि है वो मुख गुहा में पाई जाती है जिसका नाम है लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियां तीन जोड़ी होती हैं और ये मुख गुहा के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। जैसे पहली जोड़ी है पैराटिड ग्रंथि, ये हमारे कनपटी के पास, यहां पर एक यहां और एक यहां। दूसरी है सब मैग्जिलरी, इसको अधोहनु लार ग्रंथि भी कहते हैं। ये निचले जबड़े के नीचे पाई जाती है। और तीसरी जोड़ी है सब लिग्वल सलाइवरी ग्लैंड या अधोजिह्वा लार ग्रंथि कहते हैं इसको। हमारी जीभ जहां से निकली होती है मुख गुहा में उसी के जस्ट नीचे दो के संख्या में सब लिग्वल ग्रंथि पाई जाती है। इन तीनों जोड़ी ग्रंथियों का एक ही उभय काम है, यानी एक ही कॉमन वर्क है इनका, वो है लार का श्रावण। लार कब श्रावण होता है? जब हमारी आंखें देखती हैं कि हमारे सामने स्वादिष्ट भोजन आया है तो स्वतः मुंह में लार स्रावित होने लगता है, यानी ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और लार का श्रावण करना प्रारंभ कर देती हैं। और ये लार भोजन के साथ मिल करके भोजन को मुलायम लसलसा बनाता है जिससे दांतों द्वारा जब इनकी कुटाई हो, पिसाई हो तो वो आसान हो जाए और ये छोटे छोटे कणों में टूट जाए। इसके अलावा लार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाचक रस भी पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। यह भोजन में उपस्थित मंड को, या यूं कह ले स्टार्च को, डाइसैकेराइड में तोड़ता है। बच्चों, दूसरी पाचक ग्रंथि है यकृत। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है और इसका प्रमुख कार्य है पित्त
यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाइल, बी आई एल ई, बाइल, पित्त का श्रावण करना। यह पित्त भोजन में पहुंच करके भोजन में उपस्थित वसा यानी जो फैट होता है उसका उसके पाचन में सहायता करता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है यानी मिक्स ग्लैंड है, इसमें बहिश्रावी पार्ट भी होता है और अंतःस्रावी पार्ट भी होता है। अंतःस्रावी पार्ट को आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इनमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम है क्रमशः अल्फा, बीटा और थीटा। ये हार्मोन का श्रावण करते हैं और ये हार्मोन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि इसका जो बहिश्रावी भाग है वह पाचक रसों का श्रावण करता है, जिसको पैंक्रियाटिक जूस या अग्न्याशयी रस कहते हैं। और अग्न्याशयी रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को पचाने वाले प्रमुख पाचक रस होते हैं और ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, इस प्रकार से ये तीनों पाचक ग्रंथियों का भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। और दूसरा भाग है पाचन तंत्र का आहार नाल। बच्चों, अब हम आहार नाल के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आहार नाल मुख से गुदा तक फैली हुई लगभग 8 मीटर लंबी एक ट्यूब लाइक संरचना होती है। इसका पहला भाग होता है मुख गुहा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर आप देखें जीभ होती है। जीभ का काम होता है स्वाद पहचानना और भोजन को उलट पुलट के दांतों के नीचे लाना। इसके अलावा मुख में दंत होते हैं जिनका पोषण में बहुत ही आवश्यक रोल है, क्योंकि दंत ही भोजन को काटते हैं, कुतरते हैं और पीसते हैं। दांत हमारे मुख में दांतों के लिए दो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। दोनों जबड़ों में 16-16 दांत होते हैं जो कि चार प्रकार के होते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं। सामने के दोनों जबड़ों में सामने के चार दांत, जिनको कृंतक या अंग्रेजी में इंसाइजर कहते हैं, इनका काम होता है भोजन को काटना। उनके बगल में ऊपरी और निचली दोनों जबड़े में दो दो रदनक दांत पाए जाते हैं, इनको अंग्रेजी में कैनाइन कहते हैं और ये नुकीले होते हैं। ये भोजन को फाड़ने के काम आते हैं। जो मांसाहारी जंतु हैं उनमें ये रदनक दांत अत्यंत विकसित होते हैं और उन्हीं की सहायता से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, उसको फाड़ते हैं। तीसरा प्रकार दांत है अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं, और ये प्रत्येक जबड़े में चार चार अग्रचवर्णक दंत होते हैं। इसके बाद आता है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। मोलर प्रत्येक जबड़े में 6-6 मोलर होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक जबड़े में 16 और पूरे मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। और इन दांतों का काम होता है भोजन को काटना, कुतरना और पीसना, जिससे ये पचने योग्य बनाए जा सके। बच्चों, मुख गुहा के बाद भोजन पहुंचता है ग्रसनी में। ग्रसनी श्वास नली और भोजन की नली का एक कॉमन भाग होता है, यानी यहीं पर श्वास नली भोजन की नली को क्रॉस करके सामने आ जाती है और भोजन की नली पीछे चली जाती है। भोजन को रास्ता देना, यहां पर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसके बाद ग्रसनी खुलती है ग्रास नली में, जिसको अंग्रेजी में ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस
एक लंबी सी नली होती है और इसका काम सिर्फ होता है भोजन को रास्ता देना। इसकी पेशियों में एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसको पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट यानी क्रमांकुचन गति कहा जाता है, जिसकी सहायता से भोजन इस नली में फिसलता हुआ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके वो पहुंचता है आमाशय में, जिसको स्टमक कहते हैं। आमाशय एक थैले के समान संरचना होती है। भोजन इसमें 1.5 से 2 घंटे तक रुकता है और इसमें भोजन का ज़्यादातर का पाचन होता है। भोजन में आए हुए भोजन के साथ कीटाणुओं को मारता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत कहने की छोटी होती है लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि व्यास इसका कम होता है इसीलिए इसको छोटी आंत कहा गया है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। बच्चों इसका जो हिंदी शब्द है वो थोड़ा कठिन है और आगे क्लासेस में आपको अंग्रेजी ही पढ़ना होगा, अर्थात आप इसका अंग्रेजी शब्द ही याद करें और प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर होगा। छोटी आंत की खास बात होती है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत के अंदर ही होता है और यहीं से पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी पचा हुआ भोजन आंतों से अवशोषित होकर के रुधिर में जाता है। इसके लिए यहाँ पर छोटी आंत की जो भीतरी दीवार है उसकी खास संरचना होती है। पूरा छोटी आंत की दीवार अगर आप देखें तो एकदम ब्रश बॉर्डर टाइप का होता है, यानी अंगुलियों के समान पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जो अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। यहाँ से ज़्यादा भोजन अवशोषित होकर के रुधिर में चला जाता है। छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत। इसका व्यास ज़्यादा होता है, मोटी होती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं, जबकि अगर लंबाई देखा जाए तो छोटी आंत से कम होती है। बड़ी आंत भी 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। बड़ी आंत में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में बिना पचा हुआ भोजन यानी ऐसा भोजन जिसको हमारी आंतें नहीं पचा सकती हैं वो बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत में भोजन थोड़ी समय के लिए रुकता है और उसमें से जल का अवशोषण होता रहता है। इसके बाद बड़ी आंत से गुदा द्वारा होता हुआ भोजन समय समय पर यानी बिना पचा हुआ भोजन जिसकी ज़रूरत नहीं है शरीर में वो समय समय पर शरीर से बाहर निकलता रहता है। बच्चों ये पूरा मनुष्य का पाचन तंत्र है। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब भोजन के पाचन की क्रिया विधि हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जिसको देखना मत भूलना और हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।